IAS इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवालों को लेकर उम्मीदवारों में चिंता का माहौल देखा जा सकता है। अक्सर IAS इंटरव्यू में IQ टेस्ट करने के लिए सवालों को घुमाकर पूछा जाता है। तो वैसे तो अधिकांश सवाल जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स से ही संबंधित होते हैं, लेकिन फिर भी कई बार उम्मीदवारों को टेस्ट करने के लिए कुछ अटपटे से सवाल भी पूछ लिए जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही मजेदार सवाल और उनके जवाब। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको मिलती है सभी कम्पिटेटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं, इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है बेस्ट IAS इंटरव्यू सिचुएशनल क्वेश्चंस। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है क्योंकि आज हम लेकर आए हैं IAS इंटरव्यू में पूछे गए कुछ मजेदार सवाल और उनके जवाब। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल, आप सिर्फ 2 का उपयोग करते हुए 23 को कैसे लिख सकते हैं? सोचिए सोचिए। तो इसका जवाब है 22 + 2/2। इंटरेस्टिंग, राइट? नेक्स्ट सवाल, वो क्या है जो वर्ष और शनिवार में एक बार ही आता है? सोचिए सोचिए। तो जवाब है, वर्ष और शनिवार में हिंदी का अक्षर व एक ही बार आता है। नेक्स्ट सवाल, सोने की उस वस्तु का नाम बताइए जो सुनार की दुकान में नहीं मिलती। जवाब है चारपाई। जी हाँ, चारपाई सोने के लिए होती है मगर सुनार की दुकान में नहीं मिलती। नेक्स्ट सवाल, एक मेज पर प्लेट में 2 सेब हैं, उसे खाने वाले 3 आदमी हैं, तो कैसे खाएंगे? जवाब, एक मेज पर प्लेट में 2 सेब हैं, मतलब 3 सेब हैं, 3 आदमी एक एक खा लेंगे। नेक्स्ट सवाल, रोहन मई में पैदा हुआ मगर उसका जन्मदिन जून में है, कैसे संभव है? जवाब, मई एक जगह का नाम है, जन्म जून में हुआ। नेक्स्ट सवाल, आप एक कच्चे अंडे को ठोस सतह पर कैसे छोड़ेंगे कि वो क्रैक ना हो? जवाब, ठोस सतह अंडे के गिरने से नहीं टूटेगी, अंडे को कैसे भी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट सवाल, 3 लगातार दिनों के नाम बोल सकते हैं पर बुधवार, शुक्रवार, रविवार नहीं आना चाहिए। जवाब, यस्टरडे, टुडे और टुमारो। नेक्स्ट सवाल, एक आदमी 8 दिन बिना नींद के कैसे रह सकता है? जवाब, क्योंकि वो रात में सोता है। नेक्स्ट सवाल, इंसान को बिना पैराशूट के प्लेन से बाहर निकाल देते हैं लेकिन वो बच जाता है, कैसे? क्योंकि प्लेन उस समय रनवे पर ही था। नेक्स्ट सवाल, नाग पंचमी का ऑपोजिट क्या होगा? जवाब, नाग डू नॉट पंच मी। सोचिए, अच्छा है। नेक्स्ट इज, भगवान राम ने पहली दिवाली कहां मनाई थी? जवाब, दिवाली राम के बाद शुरू हुई थी। नेक्स्ट सवाल, यदि 2-1 कंपनी है और 3 भीड़ है तो 4 और 5 क्या होंगे? जवाब, 4 और 5 हमेशा 9 होते हैं। नेक्स्ट सवाल, मोर एक चिड़िया है जो अंडे नहीं देता, तो मोर के बच्चे कैसे जन्म लेते हैं? जवाब, मादा मोर अंडे देती है, नर मोर नहीं। नेक्स्ट सवाल, एक दीवार बनाने में 8 पुरुष 10 घंटे लगाते हैं, 4 लोग कितना समय लेंगे? जवाब, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो पहले से ही बन चुकी है। नेक्स्ट सवाल, एक हत्यारे को मौत की सजा सुनाई गई, उसे 3 कमरे दिखाए गए, पहले कमरे में आग थी, दूसरे में हत्यारे थे और तीसरे में बाघ हैं जो 3 साल से भूखे हैं, हत्यारे को कौन से कमरे में जाना चाहिए? जवाब, कमरा नंबर 3, क्योंकि 3 साल से भूखे बाघ अब तक मर चुके होंगे। नेक्स्ट सवाल, एक आदमी 1935 में पैदा हुआ और 1935 में ही मर गया, लेकिन मरते वक्त उसकी उम्र 70 वर्ष साल कैसे थी? जवाब, वो आदमी 1935 में पैदा हुआ था और हॉस्पिटल के जिस कमरे में उसकी मृत्यु हुई उसका नंबर 1935 यानी कि 9वीं मंजिल पर 35 नंबर रूम था और उस समय उसकी उम्र 70 थी। नेक्स्ट सवाल, एक महिला उम्मीदवार से पूछा गया कि क्या होगा अगर एक सुबह आप जागी और आपने पाया कि आप गर्भवती हैं। महिला ने उत्तर दिया कि मैं बहुत ही खुश हो जाऊंगी और मेरे पति के साथ खुशखबरी का जश्न मनाऊंगी।
तो दोस्तों वैसे तो सवाल और भी बहुत से हैं, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। यहाँ इस बात को याद रखना चाहिए कि ऐसे सवाल आपकी नॉलेज को नहीं बल्कि आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को टेस्ट करने के लिए पूछे जाते हैं, क्योंकि IAS ऑफिसर बनने के लिए सिर्फ नॉलेज ही नहीं बल्कि एप्लीकेशन ऑफ माइंड भी आवश्यक है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कर लें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल हैं, सजेशंस हैं, आप हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बता दें। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार। UPSC की परीक्षा में बेटर मार्क्स लाने के लिए जरूर पढ़ें प्रभात प्रकाशन के प्रभात एग्जाम द्वारा प्रकाशित पुस्तक UPSC 27 ईयर्स सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम्स 2022। IAS और डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा इस लिखित पुस्तक में है आपको मिलेंगे 1995 से 2021 के जनरल स्टडीज और CSET के टॉपिक वाइज सॉल्ट पेपर्स और साथ ही पिछले 30 वर्षों के एसेज टॉपिक। आप इस बुक का रिव्यू लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए लाए हैं इसके 3 ई सैम्पल चैप्टर्स जिनको आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज ही ऑर्डर करें।